Hey, IELTS community, welcome back to the channel. So, guys, the passage that we are going to use today for solving MCQ type of questions is eco resort management practices. So, without wasting any more time, let's start the video. सो so, जब हम एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एल्स रीडिंग में तो हमें दो तीन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना होता है कि हमने पहले क्वेश्चन को रीड करना है उसमें से कीवर्ड को फाइंड करना है तो ऑप्शनस को उसके बाद नहीं देखना है हमने पहले पैराग्राफ को पढ़ना है जहाँ पर उसकी लोकेशन है एंड देन वी हैव टू कम बैक टू द ऑप्शन एंड वन बाई वन हमने जो ऑप्शनस को रीड करना है एंड जो उनमें से हमें नहीं लगेगी भी ये इसका आंसर नहीं हो सकती उनको एलिमिनेट करना है लास्ट में टू ऑप्शन होंगी जो हमें लगेगा कि इसके जस्ट लाइक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो सकती हैं तो हमें उनमें से कोई एक को चुन लेना है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्ट ब्रुक बिकेम टू आईलैंड यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है भी स्टार्ट ब्रुक ही हमारा लोकेशन पे ले जाने वाला कीवर्ड है तो हम इस सीधा लोकेशन पे जाते हैं इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई सो so, पहले पैराग्राफ में तो स्टार्ट ब्रुक कहीं पर भी मेंशन नहीं है आपने थोड़ा सा नाम को ही लुक करना है क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा सो so, दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं आ, स्टार्ट ब्रुक यहाँ पे देखिए जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो उसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं रीड रीड करना स्टार्टब्रुक आइलैंड ऑक्युपाइंग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे उन्होंने लैंड का एरिया बताया भी वन फिफ्टी हेक्टेयर्स में है वो आइलैंड है साउथ स्टार्टब्रुक यानी कि जो दक्षिणी स्टार्टब्रुक आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम डाई मेन लैंड बाय द ब्रॉड वाटर्स सो उन्होंने बताया भी जो साउथ स्टार्टब्रुक आइलैंड है वो सेपरेट है दूसरे मेन आइलैंड से ब्रॉड uh, वाटर जो कि एक किलोमीटर लंबा है मोर देन अंचुरी गो भी एक सेंचुरी पहले देर वॉज ओनली वन बी ए की स्टार्ट ब्रुक आईलैंड था एंड उस पर फोर एबोरिजनल ट्राइब्स लिविंग एंड लिमिटेड ऑन द लिमिटिंग ऑन द आईलैंड रिग्रेटिवली मोस्ट ऑफ द ओरिजनल आईलैंड डिवेल्स वर इवेंचुअली किल्ड बाई डिजी भी वो वहाँ पर जो ओरिजनल रहने वाले लोग थे वो एक डिजी डिजीज की वजह से मर गए जो उसके बाद उन्होंने डिजीज़ का नाम बताया हुआ है स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा, सो उसके बाद उन्होंने बोला अभी द सेकेंड शिप रैक्ट डायरेक्ट मतलब भी टकरा गई ऑन द आईलैंड इन 1894 नाइन्टी फोर सो सेकेंड शिप थी जो एक वो टकराई इस आइलैंड से एटीन नाइन्टी फोर में एंड द सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन भी उसके बाद जो तबाही हुई ऑफ द शिप द उसके बाद उस शिप का नाम बताया द कलम्ब कैम्पस वैलेस बिकॉज इट कंटेंड डायमाइट क्योंकि उसमें डायन थे जब वो टकराई तो वो फट गए वहाँ पे कॉज द लार्ज क्रेटर इन सैंड हिल ऑन ऑन स्टार ब्रोक आइलैंड उसकी वजह से वहाँ पे एक गड्ढा बन गया इवेंचुअली द ओशन ब्रोक थ्रू द वीक वीकेंड लैंड फ्रॉम एंड स्टार ब्रोक बिकेम टू आइलैंड इसमें उन्होंने वो कहानी बताई भी कैसे दो आइलैंड में तब्दील हुआ सो so, वो क्योंकि जब वो वहाँ पर गड्ढा बन गया तो उसकी वजह से जहाँ पर मिट्टी पोल मिट्टी जो थी ना कमज़ोर थी वहाँ से पानी आ गया अंदर तो उसकी वजह से दो आइलैंड्स में वो सेपरेट हो गया सो so, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को सो लेट्स आउट दी ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वन बाय वन हमने जो भी ऑप्शन है जिसका कोई भी लिंक नहीं है हमारे क्वेश्चन से उसको एलिमिनेट कर देना है एंड उसके बाद हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा सो लेट्स रीड फ्रॉम द डी ऑप्शन वॉलैनिक्रप्शन ऑन आईलैंड सो देखिए कोई भी वॉलकैनिक्रप्शन के बारे में तो रेफरेंस था ही नहीं लोकेशन पर सो ये तो सीधा ही एलिमिनेट हो गया बाय द मूवमेंट सैंड हिल ऑन स्टार्ट ब्रूक आईलैंड देखो सैंड uh, हिल तो बताया था वहां पर कोई मूवमेंट तो नहीं हुई थे ना वो तो लिंक ही नहीं है कोई रेफरेंस ही नहीं था तो इसको भी एलिमिनेट कर देना है हमने सो ए ऑप्शन है बाय एन इंटेंडेड इंटेंडेड का मतलब है जो जानबूझकर किया हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ द शिप ऑफ द कैम्पस वैलेस सो देखो कैम्पस वैलेस तो शिप का नाम था ये तो है सो इंटेंडेड डिस्ट्रक्शन देखो वहाँ पे बताया था ना भी शिप रैक हो गई थी आइलैंड पे जिसकी वजह से जो डायनामाइट थे उनका ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे क्रेटर बना एंड ऑल दैट पर यहाँ पे देखो इंटेंडेड किसी ने वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा था भी वो जानबूझकर कर वहाँ पर शिप को रैक किया गया था तो या, इसी कारण से ये फॉल्स है एंड इसको हमने एलिमिनेट कर देना है जो लास्ट में ऑप्शन बचा वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं बाय एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट डायनामाइट का एक्सप्लोजन हुआ था वो तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था ऑन अ शिप शिप की शिप के ऊपर ही था डायनामाइट एंड फॉलोइंग नेचर एरोज़न सो देखो नेचर एरोज़न वहाँ परेशन पे उन्होंने क्लियरली बताया था भी वहाँ पे जब क्रिएटर बन गया था तो एक जगह पे जो मिट्टी थी वो कमज़ोर हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ से पानी एंटर हो गया उस क्रिएटर में एंड उसकी वजह से वहाँ पर एक चैनल बन गया जिसकी वजह से दोनों जो है आइलैंड्स से सेपरेट हो गए सो so, इसी वजह से बी ऑप्शन हमारा आ, करेक्ट आंसर है सो so, हम सो so, अभी हम लोग फिफ्टीन क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन होते हैं वाई आर लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ फ़ॉर द रिजॉर्ट कैरीड आउट ऑन द मेन लैंड सो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है भी जो लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ हैं रिज़ॉर्ट की वो क्यों मेन लैंड के ऊपर कैरी आउट की जाती हैं सो so, हमारा यहाँ पे सीधा सा कीवर्ड है लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ सो मेन लैंड भी हमारा कीवर्ड है तो लेट्स लुक फॉर दीज टू वर्ड्स इन द को क्वेश्चन इन द पैराग्राफ सॉरी सो हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर लिखा है लॉन्ड्री एक्टिविटीज सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे पीछे कर्न कौ, कोव आईलैंड रिजॉर्ट सो so, इस रिजॉर्ट के बारे में बात हो रही है अपटेन्स इस वाटर सप्लाई बाय टैपिंग इनटू टू एक्फायर एंड एक्सट्रैक्टिंग सो इसके बारे में तो नहीं सम ऑफ़ द प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स हैं विच हैव थ्रेटन द आईलैंड फ्रेश वाटर सप्लाई इंक्लूड पल्यूशन कंटेमिनेशन एंड ओवर कंजप्शन सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो उस फ्रेश uh, वाटर को अफेक्ट कर रही है उस आइलैंड के इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सम ऑफ दीज प्रॉब्लम सो इनको कम करने के लिए ऑल लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट ऑन द मेन लैंड सो यही हमारा क्वेश्चन था सो so आगे पढ़ते हैं द रिजॉर्ट कंसिडर वॉशिंग मशीन एज ऑनर टू आईलैंड फ्रेश वाटर सप्लाई एंड दैट द डिटर्जेंट कंटेंट्स हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट्स विच आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन सो so, यहाँ पे हमें सारी कहानी पता लगी भी क्यों वो लोग मेन लैंड के ऊपर जाके लॉन्ड्री करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑन द आइलैंड सो फिफ्टींथ क्वेश्चन का हमें आंसर ढूँढना है अभी सो वन बाय वन हम ऑप्शंस को पढ़ते जाएंगे एंड जो हमारे क्वेश्चन के साथ कुछ भी लिंक नहीं हुआ उसको एलिमिनेट कर देंगे सो टू अपटेन इट्स वाटर सप्लाई वी आर अ बोर सिस्टम सो देखो इसका तो कोई लिंक बनता ही नहीं है उन्होंने तो पूछा है भी क्यों वो लोग वहाँ पे करते थे अपनी लॉन्ड्री सो so, इसको तो हमने एलिमिनेट सीधा ही कर देना है टू प्रिजर्व वाटर एंड एंटी पोल्यूशन, सो देखो एंटी पोल्यूशन की बात तो उन्होंने कही है और वाटर को बचाए रखने की बात भी की है तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है उसके बाद वाले पर जाते हैं टू सेव द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ऑनरस वॉशिंग मशीन सो कॉस्ट के बारे में कोई रेफरेंस नहीं था वहाँ पर लोकेशन पर तो ये तो हो ही नहीं सकता ए एंड सी को एलिमिनेट किया बी हमारे पास एक ऑप्शन है अभी बी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फॉस्फेट्स इन वाटर अराउंड सो देखो फॉस्फेट के बारे में उन्होंने एक बताया है हमें लोकेशन पर पर फॉस्फेट किस चीज़ में बताया था उन्होंने डिटर्जेंट्स में बताया था भी फॉस्फेट का ल, लेवल है उसको बचा उसकी वजह से पोल्यूशन होगा उसको उसके बारे में उन्होंने बताया यहाँ पे रिड्यूस लेवल ऑफ फॉस्फेट इन वाटर राउंड पानी में थोड़ा उन्होंने कहा भी फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा अगर वो लॉन्ड्री यहाँ पर करेंगे तो ये हमें एक, एक ट्रैप है जिसकी वजह से कई बार बच्चे गलत आंसर मार्क कर देते हैं अं सो इससे हमने बचना है सो so, uh, हमारा जो बी ऑप्शन है देखिए द टू प्रिजर्व द वाटर एंड एंटी पोल्यूशन सो सीधा सीधा यही आंसर है वहाँ पे शुरू में पहली लाइन ही इसके बारे में भी तीन टाइप के पोल्यूशन से बचाने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है सो लेट्स मूव ऑन टू द दिक्सटीनथ क्वेश्चन सो लेट्स मूव ऑन टू द दिक्सटीनथ सो सिक्सटी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं रीड करना द मेजर वाटर सप्लायर इन साउथ स्टार्ट ब्रुक आईलैंड इज बाय सो देखो उन्होंने पूछा है भाई जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है इस आईलैंड पे सप्लाई करने का वो क्या है तो जो हमारा ये साउथ स्टार्ट ब्रुक आईलैंड वाटर सप्लायर ये हमारे की हो गए हैं लेट्स फॉर दीज वर्ड्स वाटर सप्लायर इज़ द मेन वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट जो देखो यहाँ पे ही होगा ना इसका सो so शुरू में ही हमने पढ़ना है साउथ स्टार्ट ब्रूक आइलैंड हैज़ ग्राउंड वाटर एट द सेंटर ऑफ द आईलैंड विच हैज़ मिनिमम हाइट ऑफ थ्री मीटर्स अबव सी लेवल द वाटर सप्लाई इज रीचार्ज बाय रेनफॉल एंड इज कॉमनली नोन एज इसके बाद उन्होंने बताया भी उसको क्या कहते हैं एंड ऑप्टेन्स इट्स वाटर सप्लाई बाई टैपिंग इन टू दिस एक्फायर एंड एक्सट्रैक्टिंग इट वी आर बोर सिस्टम सो देखो यहाँ शुरू में तीन चार लाइन में हमें हमारा आंसर मिल चुका है सो so, उन्होंने बताया भी जो वाटर सप्लाई है उनके ग्राउंड वाटर से लेते हैं जो कि आईलैंड के बीच में एंड एक्फायर है उसके बाद उस एक्ूफायर का नाम बताया हुआ है एंड उन्होंने बताया कि बोर सिस्टम की मदद मतलब से वो वहाँ से पानी को निकालते हैं सो लेट्स लुक फॉर दी ऑप्शन दैट वी हैव डिसलेनाइंग सी वाटर सो इसके बारे में तो कोई भी मैंशन नहीं है सीधा ये हमारा एलिमिनेट होता है बी है कलेक्टिंग द रेनफॉल कलेक्टिंग द रेनफॉल देखो रेनफॉल के बारे में उन्होंने बताया ये भी एक ट्रैप ही है रेनफॉल के बारे में उन्होंने बताया है भी रेनफॉल वहाँ पर होती है उससे पर क्या होता है उससे पानी नहीं ऑप्टेन करते उससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है सो सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द मेन लैंड सो मेन लैंड का कोई भी उन्होंने मैंशन वहाँ पर किया नहीं सी सो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है बी डी so, सो वहाँ पर लिखा है बोरिंग ग्राउंड वाटर सो एग्जैक्टली वहाँ पर उन्होंने बताया था भी वो बोरिंग मैथड के यूज़ करके वाटर को अपटेन करते हैं ग्राउंड वाटर को सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट फॉर दिस सो लेट्स मूव ऑन टू द सेवनटीन क्वेश्चन वट इज़ अप्लाइड फॉर हीटिंग वाटर ऑन जो आइलैंड का नाम है सो so देखो हीटिंग वाटर हमारा कीवर्ड है जिसकी वजह से हम लोग को लोकेशन मिलेगी सो लेट्स लुक फॉर दैट सो देखो सेम पैराग्राफ में उन्होंने नीचे बताया हुआ है हॉट वाटर सो देखो हॉट वाटर एंड जो है हीटिंग वाटर एंड हॉट वाटर सो देखो हॉट वाटर हीट करके बनेगा तो सेम सही हो गया इसकी लोकेशन यही है एंड उससे आगे रीड करना शुरू करते हैं हम लोग हॉट वाटर इन द इको कैबिन्स एंड फॉर सम ऑफ द रिसॉर्ट्स व्हीकल आर सोलर पावर्ड सो कहाँ से पावर मिलती है सोलर से सो so, यहाँ पे हमें एक एक लाइन में इसका आंसर मिल रहा है तो हम लोग देखते हैं सो so, देखो ऑप्शनस को वन बाय वन रीड करते हैं ए ऑप्शन है एलपीजी पावर्ड सो एलपीजी पावर का उससे पिछली लाइन में उन्होंने बताया है पर वो दूसरी एनर्जी नीड्स के लिए बताया हीटिंग वाटर के लिए नहीं डीजल पावर का वो लोग कह रहे हैं भी यूज़ ही नहीं करते हैं तो सी ऑप्शन है द विंड पावर्ड विंड का भी यूज़ करते हैं पर उतने लेवल पे नहीं यूज़ करते हैं Uh, वो भी एल के लिए साथ ही यूज़ करते हैं वो लोग सो so, उसके बाद उन्होंने सीधा उस लाइन में बताया हुआ था भी सोलर पावर का यूज़ करते हैं हॉट वाटर को करने के लिए सो हॉट वाटर यानि कि हीट हीटिंग हीटिंग प्रोसेस का नाम है एंड हॉट वाटर जो है वो आउटपुट होता है तो इसका आंसर है डी सेवनटीन का एग्जैक्टली क्वेश्चन इज एटीन एंड वट डज़ एज द मैनेजर्स ऑफ रिजॉर्ट्स बिलीव द प्रस्पेक्टिव फ्यूचर फोकस ऑन सो देखो उन्होंने पूछा है भी जो मैनेजर्स हैं रिजॉर्ट के भी उनका क्या बिलीव है भी प्रस्पेक्टिव फ़्यूचर कहाँ किस चीज़ पर फोकस कर रहा है सो लेट्स लुक फॉर सो इसमें मैनेजर्स ही हमारा मेन uh, कीवर्ड है सो so, यहाँ पे देखो उन्होंने uh, इसी में मैनेजमेंट के बारे में सारे पैराग्राफ ने बोला है एंड हम लोग तीसरे में द रिजॉर्ट यानी कि इसी रिजॉर्ट के बारे में बोल रहे हैं हैज एम्ब्रेस्ड एंड हैज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी उन्होंने बहुत सख्ती से ये प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया है इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनिबिलिटी शुड प्रमोट लॉन्ग टर्म सोशल भी उससे जो उन्होंने इस ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस की है भी उन्होंने सारे इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल चीज़ों को यूज़ किया है उससे उनको लॉन्ग टर्म में सोशल इकोनॉमिकल एंड एन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे वाइल इंश्योरिंग द एंड एनहांसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड वायबिलिटी ऑफ फॉर टूरिज्म इंटरप्राइज़, सो उससे उनका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा सो so, यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था सो लेट्स लुक फॉर दी ऑप्शनस मोर अवॉर्ड फॉर रिजॉर्ट्स अकोमोडेशन सो देखो उन्होंने ना उस जब मैंने लाइन पढ़ी उससे ऊपर वाली लाइन में बोला भी उनको अवार्ड मिला है पर उन... उनका जो फोकस है अभी फ्यूचर में मोर अवार्ड्स लेने पर वो उसका कोई भी मेंशन नहीं है सो ए हमारा नहीं आंसर है सो देखो अभी बी ऑप्शन है सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन सो सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बताया भी उन्होंने सारे जो डेवलपमेंट उससे उन्होंने बोला ना भी उनका फ्यूचर में काम बढ़ेगा सो यही चीजें हैं इसका जो हमारा रिक्वायर्ड था वही हमारा जो इसमें बी ऑप्शन में मिल चुका है सो so, इसका आंसर है बी